सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित्वार आदि पुरख है सोई आपे वरत है अवर न कोई आदित्वार आदि पुरख है सोई आपे वरत है अवर न कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझै कोई हृदय जपनी जपों गुणतासा हरे अगम अगोचर अपरंपर स्वामी जन पग लग त्याऊं होए दास नंदासा रहा छनिछर वार सौन सासत बीचार हौ मैं मेरा पर मैं संसार मनमुख अंधा दूजै पाए जमदर बाधा चोटा खाए गुरप्रसादी सदा सुख पाए सच करनी साच लिवलाए सतगुर सेव हैं सेवड भागी हौ मैं मार सच लिब लागी तेरे रंग राते सहज सुभाए तू सुख दाता लह मिलाए एक स्ते दूजा नाहीं कोए गुरमुख बूझै सोजी होए पंद्रह थिति तै सतवार महारुति आव हैं वार वार दिन सरैन तिवें संसार आवा गौण किया करतार निहचल साच रहया कलतार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार निहचल साच रहया कलतार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश टलदी शाम सत्संगत दा समां असीं माण रहे हां भावें शरीरक रूप विच गुरु दरबार हाजिर होण दा सुभाग है या करां थावां तों टीवी अते होर मीडिया सोर्सिस राहीं गुरु शब्द नूं माण रहे हां वड भागता है इस समां गुरबाणी दी लड़ीवार व्याख्या दा है जिस विच मुसलसल बाणी दी विचार करदे हां असी राग बिलावल नूं विचार रहे हां गुरु अमरदास साहब द्वारा उचरित किया गया मुकामी संदेश वार सत जिसनों असी आम सतवारे कह देने हां वो रचना असी विचार रहे हां इस पावन बाणी दे विच जो हफ्ते दे वार ने जिन्हों असी दिनां दे नां कहिंदे आ नेम्स ऑफ आवर वीकडेज उन्हां दा सिरनामां पा के उन्हां दे टाइटल्स पा के बाबा जी ने बाणी उचरित कीती है मुसलसल विचारदिआं होइआं असी सत पदे विचारे ने अज अठ नंबर पदे दी विचार होएगी जो कि छनिछर वार इस पदे दे नाल है इस सिरनामे दे नाल है पर विचार दे उत्ते प्रारंभता रहाओ दे बंत हो रही है जिहदे च मुख सुनेहा है गुरदेव कह रहे सी हिरदा जपनी जपों गुण तासा हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी जन पगलग त्याऊं होए दासन दासा हिरदा जपनी जपों गुण तासा जपना
आराधना सिमरना ये सारे प्रायवाची सिनोनिम ने एक दूसरे दे। इस वास्ते बड़ी डिटेल्ड गल हुई, वक्रे वक्रे तरीके बंदा अपनाउंदा है, जिन्हें एक तरीका माला भी है जपनी कोई ट्रेडिशनल वे नाल आपां अपने विश्वासां दे मुताबक कुछ माला दे मोती मणके पा के उन्हूं जपना। बाबा जी ने कहा कि जड़ा असल जपना वो हिरदे का जपना है। जे बंदे दी सुरत बंदे दी जहनीयत बंदे दा अंतर भाव किसी रब्बी विश्वास नाल नहीं प्रणा रहा, बाहर का विखावा की करेगा। ये मुख रूप च संदेश है। हिरदय जपनी तो फिर जपना किनू है? गुणतास अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अनेक जेडे एडजैक्टिव लकब दिते गए ने उन्हें चो मुख लकब आ मेन एडजैक्टिव जिन्हों कहा जाए गुणतास। गुणी निधान नो गुणा के जरिए याद करना गुणा के जरिए अपनाना सहलाना उस रूप विच। हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी जन पग लग त्याऊ हुए दासन दासा। तरीका यह ही है किसी बहरूनी शकल सूरत च ना लभी उसनों वो अगम अगोचर आ, क्योंकि जो तो कोई भी असी कम कार करते हैं तो वह एंड रिजल्ट यह होंगे है कि वी गुना गैट इंस्टेंट काइंड ऑफ रिजल्ट एकदम उस बेनीफिट कुछ। बाबा जी कहिंदे दा कोई किसी शकल सूरत तथास्तु रब ने तेरे सामने नहीं आना। हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी है तेरा स्वामी पर अपरंपर आ, जिदा उरवारला पारला बनना कोई नहीं गा, जिसनों असं ओमनी प्रेजेंट कहने पर इनफिनिटी के रूप में देखते हैं, जिदी होंद सदा तो सदा तक आ। जन पग लग त्याऊ हुए दासन दासा, वो दासा दे दासा का दास हो के चंगेरिया की संगत ते सोबत विच रहिंदिया होया इन्हों गुणा नूं असीं इख्तियार करदे हां, ये रहा उहदा बंध आ। हुण बचन जिथे महाराज अज सानूं लिया रहे ने, छनिछर वार सौण सासत विचार। अक्सर आम बोलचाल की भाषा दे विच भी असी बहुता ध्यान नहीं करते, लिखावट विच भी ध्यान नहीं करते। साढ़े कैलेंडर लै लो, साड़ियाँ जंतरियाँ लै लो, साढ़े जो कुछ भी लिखावट आ रहा आ तुहानू हमें ज़्यादातर जिहड़ा आ ऑलमोस्ट सारे रूपां दे विच जिहड़ा सैचरडे है इहदा नाम मिलेगा शनिवार। एक्चुअली ट्रेडिशनल वे नाल जो देखते हैं तो ये छनिछर वार इस रूप में कहा जाता है। शनि हाँ एक भाषा दे कहा जाता शनिवार भी इसनों, पर छनिछर मुख रूप दे लफज़ आ। इहदे नाल जो शनि का संकल्प आ जो दा एक पूरे का पूरा तंत्र भाव आदा जुड़ा है, इहदे च बाबा जी ने उहदी बात पाई है। छनिछर वार सौण सासत विचार। सौण असल च श्रोण है, श्रोण वेदां दे विच जिन्हों ज्योतिष का करता कहा गया है उस रूप दे विच। बाणी का बड़ा इहदे बाबत मुकामी संदेश है, बड़ा वास्ट भी हैगा आ। महाराज ने जो बात की क्या अक्सर इस बंदे च प्रवृत्ति रही है, दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बात बकाहें, अल्लाह पाकं पाक है शक करें जे दूसर होए। भगत कबीर जी दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए। बंदा एक धर्म नूं मनदा, एक धर्म ग्रंथ की वडियाई करदा, दूसरे धर्म ग्रंथ नूं सामने रख के उन्हों छोटा करदा, उदी डिवैल्यूएशन करदा, उसनों कम आंकना करदा ते खुशी करदा, खुश हुंदा, हाँ आ गल हो गई वधिया हो गई। बाबा जी कहिंदे ये कोई वधिया तरीका नहीं हैगा, सच नूं सच ते गलत नूं गलत समझना ये तरीका ठीक है। बंदे नूं सही नूं सही ते गलत नूं गलत कहना इस रूप में देखा जाए। बाकी ये बात देखते हैं असीं कि
महाराज के पावन बचन जदों आसा की वार च असी पढ़ते हाँ, बाबा जी कहते भी कल मैं बेद अथर बन हुआ ना खुदाई अलो पया। बदलते समय के अंदर जो कल आया आ जड़ा दौर जिस एरा चो असी लंघ रहे हैं, बेद अथर्बन हुआ, अथर्बन वेद जड़ा वह जोरावर हो गया, टूने टपार विश्वास उन्हां चीज़ां ते जिन्हां दे कुछ डायरैक्टली को मायने नहीं है। आप भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी पढ़ते हैं जो ज्योतिष की गल करते हैं तो वह कहते हैं दो तारावान ने, एक तारा का संबंध गणित नाल है, मैथमैटिक्स के नाल, जिदे च नक्षत्र ते जड़े तारे स्यारे इन्हां दीआं चालां दी गल है सारे दी सारे। ये बड़ा कारगर एक विद्या का रंग है जिदे नाल ग्रहण कदों लगना है, जड़ा सूरज चंद्रमा दीआं ये सब रासां किवें बदलदीआं ने, ये बारे सारी जानकारी है। ट्रडिशनल वे नाले जानकारी फसलों बीजन वास्ते, किसानी करन वास्ते, घर परिवार दे विच सारे कार्ज कार सूत करन वास्ते सब चीज़ां होंदियां सीगियां। पर एक दूसरा पक्ष है जिदे च यह कहा गया कि सारियां नूं जाणदिआं होइआं माड़े चंगे दिनां दा हिसाब लाउणा, महूरतां दा हिसाब लाउणा, ये सब चीज़ां रूप दे विच, फिर उसनूं किसे फल निफल दे रूप दे विच मनुखी मन दे विच बन्न देना, ये जिहड़ी चीज़ आ ये तंत्र विद्या च आ जाती है। फिर तो यह ऐसी एक तांत्रिक तरीकेकारता आ कि इहनूं कहा गया कि जितना सौखा बीजना आ उस तो किसी कई हज़ार गुणा औखा इहनूं बाहर कढ़ना आ। यह बंदियां दे विश्वासां च बीजी जांदा ते ट्रडिशन बाय ट्रडिशन, जनरेशन बाय जनरेशन अगे वधी जांदा। हुण इस रंग च देखिया जाए बहुत छोटी उम्रे बच्चे चीज़ां सोचत सुनदे आले दुआले तो जदों वड्डे होंदे उदों तार्किक बुद्धि आउंदी जिहनूं असीं रैशनल माइंड कहिंदे आ, ओह कहिंदा फॉरगेट अबाउट इट, दिस इज नॉनसेंस, आई एम नॉट गोना बिलीव इन इट। ठीक है जी, पर जिहड़ी बीज रूप च बीजी गई चीज़ आ उह कितें ना कितें फिर आ जांदी। ते असीं बहुत उहनां लोकां नूं देखिया जिन्हां लोकां दे च इहो जिहे बीज बीजे होण ते उह कई बारी ये बात मनदे कि हाँ भाई सपोज़ कोई चीज़ हो गई फलाना दिन सीगा, वह हाँ हाँ वह एक्चुअली ना दिन ही माड़ा चढ़िया, वह दिन दिन करके चीज़ हो गई, आ चीज़ इस रूप में आ गई। जिहड़ा उहदे पछोकड़ चीज़ पई जिस रीज़न करके जिस कारण करके वह चीज़ होई है उहदे बारे कोई एहसास नहीं बंदे नूं। इत्थे फिर जिहड़ा वहम दंभ आ बाबा जी ने बयान किया ना भी जदों वो समा आया भी कल मैं बेद अथर्बन हुआ ना खुदाई अल्लाह पया। राज किदा आ? मोमन राज आ, मुसलमानी फेत रखने वाले का, नील बस्तरले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया, तो वो बड़ा जुल्म करते ने जिहड़े इत्थों दे लोकल सभ्याचार वाले लोग ने, खास करके जिहड़ी पूजा प्रस्तगी करते ने उन्हां नूं जाहल कहिंदे ने, उन्हां नूं काफर कहिंदे ने, उन्हां ते बहुत कुछ जुल्म हुंदा। तो कहिंदे भी एक्चुअली होया की है कि ये सारा कुछ ना दौर ही माड़ा चल रहा। दौर माड़ा किवें चल रहा है? क्योंकि ओहो जी रचना विच्चों चीज़ां कोड कीतियां जांदियां कि आप मतलब सही रूप दे ग्रह नहीं चल रहे, सही रूप नक्षत्र नहीं चल रहे, रासां नहीं ठीक चल रही, सो सारे दे सारे च उसका कह लेना कि दोष आ सारा। एक शब्द होर दे नाल लै लैंदे हां क्योंकि फिर बात पकड़ च आ जाएगी है, अदरवाइज छनिछर ते शनि मंगण वाले लोग आपने बहुत देखे होणगे पंजाब दी फिजां दे विच। मैं खुद अपनी अखां नाल बड़े देखे ने, बड़े उन्हां नूं विटनेस कीता उत्थे सैचरडे नूं, मतलब डोलू जिहा फड़ के विचों पकड़ के तेल विच पा के तेल ते पैसा इकट्ठा कर दे ते लोकी चाह के वो सारा कुछ उस रूप में देंदे। तो इहदा बंदा कहिंदा भी की फर्क भी की पैंदा, यूनो लोकां दे कोल जिन्हां बेचारियां कोल गुरबत है गरीबी है जिन्हां नूं कुछ थोड़ा तेल मिल जांदा इस कहण दे नाल चार पैसे मिल जांदे ने, नथिंग रोंग विद इट, बिल्कुल ठीक गल है, ये मान ली जाए गल किसी की तरीकेकारता इस रूप दे विच। पर
जिहड़ा इहदे दंभ दा वहम दा असर आ वो कितना गहरा जाएगा इहदे बारे किसी नूं कोई अंदाजा नहीं है। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता इस रूप दे विच। मैं दो एग्जाम्पल करनिया चाहाँगा। एक तो जो एक बहुत नामवर कॉम्युनिस्ट लिखारी ने रचना रची, मतलब पंजाब जिहड़ा अनडिवाइडेड पंजाब से उस समय दे विच 47 तो पहला, वह कहिंदा साढ़े लाहौर दे नेड़े पिंड साडा ते छिंजां पैंदियां उत्थे, मेन रैसलिंग हुंदी कुश्ती ते छिंजां पैंदियां ते जो कोल हुंदे ते कोई नाल दे लागले पिंड दा पलवान, वह उभर दा पलवान है, वह आउंदा आया ते उसने सारे पिंड दे पलवान हरा दिते। ओह माई गॉश, बड़ी बेइज्जती हुई पिंड दी। फिर उत्थे कल्चर इस किस्म दा सीगा कि जो पलवान जित गया फिर उन्हें ढोल नाल लैके आना है पिंड दी झंडी झंडा पट लैना उत्थे जिहड़ा खाड़े च लगा हुंदा सीगा, ते ढोल दे सारे पिंड च फिर उहदे जिहड़े दूजे पिंड तों आए हुए लोग ने उह फिर नचदे भंगड़ा पाउंदे बेइज्जती करदे, मीन कुछ किसी च हिम्मत है ते आओ कुलो साडे नाल, ते फिर इस तरीके नाल ओह झंडा लै के चले जाते। बड़ी जलालत हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। हुण की कीता जाए? उत्थे एक शख्स, वैसे तो सथां च आम करके लोग होंगे पर एक शख्स उन्हें चिट कपड़िया कहिंदे, वो बड़ा कजाक है, मीन बड़ा क्लैवर माइंडड आ, बड़ा चलाक बंदा आ। वो जो सारा कुछ हो रहा इस रूप दे विच, उहदे कोल कोई पिंड दे एक दो शख्स गए, वह कहिंदे तुहानूं छिंजां दा ढोल नहीं सुनदा? वह कहिंदे सुनदा, पूरी तरह सुनदा। तो कहिंदे पता कि वड्डे तुसीं चिट कपड़िए बने हो इत्थे, बड़े अपने आप नूं कजाक खवाउंदे हो, चलाक खवाउंदे हो, किन्नी बेइज्जती हो रही पिंड दी। की होया? उहने सारी कहानी दसी ते कहिंदे भी अज नहीं हो रही गल्ले, या तो छिंजा बंद करो आए साल जिहड़ियां हुंदियां साल बाद, ते या फिर आ बेइज्जती लई तैयार हो जाओ, क्योंकि अजे चढ़दी उम्र दा पलवान है, इह कई साल घुलेगा, ते सानू नहीं लगदा इलाके च कोई इहदे मुकाबले ते कोई जितना इहदा जुस्सा तगड़ा आ कोई ठहर सकता है, इहदा आए साल बेइज्जती करे करेगा साडी आ के। इहो जिहियां गल्लां होईयां। खैरो जो शख्स आ जिहड़ा बड़ा कजाक आ, वह कहिंदा भी इस साल का तो इंतजाम नहीं मैं कोई कर सकता क्योंकि ये तो हुण कुश्ती हो गई जेतू हो गया, पर नैक्सट ईयर की अरेंजमेंट मैं कर देना तुहाडी। वह कहिंदे वह किवें? कहिंदे वह मेरे ते छड्डो कोई गल नहीं। वह फिर उत्थों गल जिहड़ा सारा सत्त है वह खिंड जाता, तो फिर पलवान दे कोल जाता तो जाके उन्हूं कहिंदा वाह वाह पलवाना क्या तारीफ की, उहदी दो चार लफ्ज़ गए। फिर करदिआं करदिआं हाथ फट देना, मैं करके हाथ फट के एवें हाथ दियाँ रेखावां वेखण लग जांदा, तो कहिंदा वी बल्ले 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 तेरियां जिहड़ियां रेखावां ने ना इह दसदियां ने वी तूं हमेशा ही जेतू है, तैनूं कोई नहीं हरा सकदा। रेख राह भी रेखा इस तरीके नाल सज्जे खब्बे कर करा के उहनें दो चार गल्लां कीतियां। उह पलवान होर खुश होया सुण के, पर फिर उहनूं हाथ नूं एवें मोड़ के थोड़ा जिहा कहिंदा इक ना बरीक जिहा रेखा इक विच दिसदी है, जिहड़ी लाइन है इक, उहदे च इह लगदा है वी तेरे ते थोड़ा जिहा अगला साल भार है, ते मेरी जाचे इस तरह मन भी उस तो पहलों पूरी जानकारी लै गया उस पिंड बारे उहदे घर बारे सारा कुछ उस तरीके नाल, कहिंदा भी तेरे खेतां दे च कोई पीर दी जगह तो नहीं है? कहिंदा है। कहिंदा बस फिर मैं तैनूं दसां उहदा थोड़ा जिहा तेरे ते साया लगदा मैनूं, ते तूं ना उत्थे वीरवार नूं दीवा लाया कर। वह कहिंदा वह हाथ छड़ाउंदा उत्तों, कहिंदा ला हाथ दियां रेखावां च कुछ नहीं पिया गा, मैं आपां इस गल दी कोई गलबात विश्वास नहीं करदे। वह फिर दोबारा हाथ फड़दा, वह कहिंदा कमलिया सियाणियां दी गल मन्नी दी हुंदी है, एवें काले नहीं पईदा, तेरे तो तगड़े तगड़े जुस्सियां वाले तुरे फिरदे वेख, ते कुछ जितया तूं जितया क्यों? क्योंकि तेरे ते एक कुदरत दा कोई करिश्मा है, कोई ताकत हो रही है कुदरत तेरे नाल, ते एवें कमलिया मित्रां ने गल नहीं करी दी, सियाने की गल मनी थी हुंदी। अच्छा हुण तू उत्थे रिख ते रोट चढ़ाउणा जाके, एक तू उत्थे दीवा लाउणा, कोई दो चार गल्लां होर कहतियां कह के आ गया। वो फिर पिंड दे जिहड़े लोग सीगे उह कहिंदे उह की करके आया? कहन लगा भी मैं बीज आया, ते अजे तुसीं वेखो की हुंदा। वह किसी ने कहा मैं गल्लां करदा है, कुछ नहीं होना इहदे च। खैर बाबा जी दे बाणी दे बचन, शगन अपशगन तिस को लगा है जिस चीत ना आवै। बंदा कहिंदा माड़ा हो गया चंगा हो गया, महाराज कहिंदे जे रब चेते चो विसरे ते सब कुछ लगदा, जिन्हों कहा कि तू विसरे ता सब को लागू,
होर कोई बंदे नूं बुला नहीं ढाउंदी, रब दा नाम भुलिया नहीं, करतार दा नाम भुलिया नहीं, तो सब कुछ लागू। चीत आवे तां महानंद आ, जिहनूं चेते च रहे उहदे वास्ते सब सब जीवन ही महानंद है। खैर समा लंघदा गया, वो साल बीत गया, छिंजा आ गईयां, वो कहिंदे वी छिंजा पवाणियां ने सरूप दे च, तो फिर गल होई तो वह कजाक नूं याद है, वो कहिंदे वी तैनूं कहा सीगा इस बार फिर पहलवान आएगा देखियो, उहदा ते नां होर बड़ा बन गया, उह ते बड़ा तगड़ा हो गया। कहिंदा कोई गल नहीं, एक कम करो, कोई बंदा भेजो उत्थे, तो यह पता करो वीरवार को की करता। उन्हें पता किया तो कहिंदे वीरवार को खेतों च पीर बनया, उत्थे पूरा दिन रहिंदा, वह दीवा लाउंदा, सब कुछ इस रूप दे विच का सारी गलबात होंदी। कहिंदा बस ठीक है। कहिंदा इस वारी छिंजा वीरवार को रखो। उन्होंने उस तरह किया, कुश्ती का जिहड़ा अखाड़ा सीगा वीरवार को रख दिता। खैर वो आ गया, उत्थे आ गया तो वह कुश्ती होने लग गई सवेर तो। जो वो वारी आई घुलन की, वह कजाक वो चला गया, दोबारा फिर हाथ फड़िया वह, कह लगा तैनू याद है मैं मिलिया सी? कहिंदा हाँ हाँ। कहिंदा बुजुर्गो तुसीं मैनूं सारी गल दसी? कहिंदा हाँ। फिर दोबारा करके कह लगा गल ये भी अज तेरे ते बड़ा भार है, तू अज क्यों आया कुश्ती करन वास्ते? तैनू तो उत्थे होना चाहिदा सी वीरवार, तैनू कहीं दीवा लाया उत्थे? कहिंदा जी मैं ड्यूटी ला के आया किसी की। कहिंदा मैनूं नहीं लगता कि दीवा लाया होना उत्थे, तेरे हाथ की रेखा ते तेरा मत्था अज दसदा है भी तेरे ते बहुत भार है। इस तरीके नाल दो चार दस गल्लां कीतियां, तो गल्लां करके तुर गया। तो कहिंदा हुण भावें माड़े जे पहलवान नूं अंदर भेज दिओ, इह टैजेगा। वो कहिंदे वो किवें होया? इसे तरीके नाल वो वार वार इको ही गल राए उहदे च, वो आए अपने साथियों नूं पुछे, कहन लगा आपां कुश्ती थोड़ी देर रोक ना लईए, मैं भज के घोड़ी ते जा के दीवा ही लावां उत्थे, या किसी नूं उत्थे भेजो, पिंड पता करो दीवा लाया कि नहीं लाया। वो ऐसी उहदी जिहड़ी है एकदम कंसनट्रेशन टुटी, अगले पले टह गया। हुण आह जिहड़ी प्रवृत्ति है, फिर मैं माफ़ी मंगते लफज कह रहा वा, जिहड़े वहम दंभ ने ये बंदे नूं उठाउंदे नहीं, डेगदे ने। आपां 140 करोड़ तो वध लोकां दा मुल्क होए, चलो पहला रिसोर्स नहीं सीगे, आ नहीं सी, रिसोर्स भी पैदा हो गए, हुण तो बहुत कुछ हो गया उत्थे। इह सब होण दे बावजूद भी कोई अथलीट कोई देख लो, पैर दे नहुं तो लैके सिर दी चोटी तक तवीर धागिआं नाल लदिआ, ए टू जी आप कदे ध्यान नाल देखिआ जी, यह है की है? एक अजीब तरह का तंत्र भाव है जो अंदर पिया आया। इसनू जो पुरानी ट्रेडिशन कुछ लिखिया भी सीगा, उसने इस तरीके मैनुपुलेट किया। बाबा जी ने कहा झूठ ना बोल पांडे सच कही है। जे तू विद्वान भी है, जे तू पांडा भी है, जे तेरे को स्कॉलरशिप किसी किस्म की, तू कुछ तेरे को डॉक्टरीन आ भाई, फिर एवं झूठ वाले पासे ना लैके जा, सच वाले पासे लैके आ। तो सच ये है, सास्त की विचार की है? सास्त की विचार ये है कि जिहड़ी चीज़ बंदे की आत्म उसारी करे, आत्म बल बंदे च पैदा करे। आपां बीते च बचन विचार है वीरवार विचारदिआं होइआं, जदों महाराज बयान करदे सी, जांको हर रंग लाको इस युग में, सो कहियत है सूरा। सूरे की पहचान की? आत्म जिणै सगल वसतांक है, जांका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, शरणी पावन नाम ते आवण, सहज समावण संग। आ है आत्म जिना सगल वसता कै, अपने आत्म बल का विश्वास होए, अपने आपे दे उत्ते एहसास करे उस रूप दे विच। इत्थे बचन आया छनिछर वार सौण सासत विचार। जे इन्हां चीज़ां दी विचार दे विच ही पए रहना आ, मतलब इस किस्म दे नाल भी कोई ज्योतिष भाव या कोई शनि दा या छनिछर दा प्रताप इत्ते पै गया, इत्ते प्रभाव पै गया, सब विच ही फस जाना आ। हौमै मेरा परमै संसार, हौमै मेरा परमै संसार, हौमै मेरा। इस तरह जानिए कि बंदे नूं क्या गया, जिवें आपां वहमां दंभां की गल करते हैं कि एक ना साढ़ सती चल रही है तो बड़ा वड्डा नुकसान होएगा। अच्छा ना ना ना, मैं नुकसान नहीं करवा सकता। अच्छा तेरा नुकसान नहीं, किसी होर दा हो जाएगा, तू ना टूणा करके चौंक च रखा। ये बंदे की अजीब तरह की हालत है। बंदा अपने हथीं कहिंदा मैं किसी का नुकसान कर देंगा पर मेरा नुकसान ना होए। किड्डी मतलब जिन्हों कहा गया कि बंदे की ना पक्की सोच आ। साढ़े घर का आइडियल सरबत का भला, किसी का नुकसान हो गया, किसी का कोई जड़ा है कोई किसी रूप दे हो गया तो मैं वो तो अपने आप वखरा करके एदा ही होया। ओ ओ ये तो बड़ी इंसानियत मर गई है देश से।
जे असी रब दे बंदे हाँ, एक पिता एक के हम बारिक असी वचन पढ़ते हाँ, तो फिर तो यह है कि बाबा कबीर जी ने कहा पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, जिहड़ा गुआंढी घर वापरे अपने घर भी जान। फिर पर यह चीज़ तां वापरे जे होमे की पकड़ तो बाहर आवां, जे सोचा कि नहीं 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 जो मर्जी हो जाए किसी का नुकसान। आप देखोगे पिंडा थावां दे विच मैं झगड़े वेखे ने, मैं ये बारे बहुत सारिया चीज़ा उस रूप से भी देखिया, पढ़ने विच ते पता नहीं कितना कुछ आया जिदे च किसी किसी तंत्र विद्यालय ने कह दिता इस रूप से तू ना आ चीज़ फलाने नू खवा दे, आ चीज़ उन्हों खवा दे, उहदा नुकसान हो जाएगा तेरा फायदा हो जाएगा। इस तरीके दे नाल एक अजीब दशा दे विच गुरु बाबा जी ने बयान किया ये हौमै है जिहड़ी वधी हुई मैं है, भी मैं तो सिर्फ मैं होवां, मेरा ही फायदा होवे, मेरा ही आ चीज़ बचे, मैं ही असल च दिसा ना। इत्थे ते कहा कि मालक जे कोई दुख भी आना तो मेरी चोली पाई, मेरे सदका किसी नूं दुख होए ना मैं किवें बर्दाश्त कर सकता हाँ। यह इंसानियत यह सीखी है, किसी लिए आसानी पैदा करना, किसी लिए सुख पैदा करना, किसी लिए भले का कार्य करना, यह है असल में शनिचर नूं वर लैना, उस प्रभाव तो बाहर आ जाना। बचन आया हौमै मेरा भरमै संसार, पर संसार इसे ही भरम गया भटक गया दे विच। मनमुख अंधा दूजा पाए, पर मन दे मुरीद नूं नहीं दिस रहा दूजा पाए, किसी होर पासे तुर पिया, किसी होर हालात वाले पासे जिहड़ा हैगा वह जा रहा हैगा। इस तरह जाणिया जाए कि मैं याद आ साडी स्कूलिंग होंदी सी जदों, तो उस समय दे विच असीं जदों सपोज करो ग्रेड 6-7 च पढ़ रहे हाँ, तो लोकल स्कूल दे विच पूरा एक साइंस का डिपार्टमेंट बनिया आ ग्रेड 11 ते 12 जिन्हों +1 ते +2 कहें, उस विच नॉन मैडिकल दे सबजैक्ट ने, नॉन मैडिकल पढ़ाने वाला स्टाफ आ पूरा जिदे फिजिक्स कमिस्ट्री मैथ यहो जे सबजैक्ट आते हैं सारे, तो बहुत वधिया तरीके बाहरों भी बच्चे आके पढ़ रहे। उत्थे होया कि 3 साल बाद उस सारा डिपार्टमेंट ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 5-6 बच्चे रह गए, तो टीचर भी कोई नहीं है सारा उस तरीके। ये मैं अपने कन्ना नाल चर्चा होंदी सुनी, उत्थे कुछ स्कूल दी जिवें लोकल कमेटी दे कुछ चेयरपर्सन होंदे सारे, वो आपस च गल्लां करदे, सरमाएदार पार्टी सारी, तो कोई कह रहा कि हुण ते स्कूल दे विच जिहड़ा आ डिपार्टमेंट के बंदे नहीं है, बच्चे नहीं है, एक कोई 4-5 साल बाद की गल है जिन्नी देर तक साड़ी वारी आउंदी पढ़न वास्ते। तो उहदा जवाब यह है, वो मतलब अपनी भाषा च कहिंदा, उत्थे जिहड़ी लोकल भाषा बोलते उत्थे, वो कहिंदा वी मारे कौन सा जाकत जावां आ, साढ़े कड़ा हूँ बच्चे पढ़ते हैं, सानू कहदा हूँ ना होए, जो अपने बच्चे पढ़ते से अपना सारा इंतजाम करके रखिया, हुण की आ, हुण अपने बच्चे है नहीं गए, आप कहदे लई करना है। होया कि तालीम का पद्धर नीवा आ गया, तो यह तो है नहीं गा कि जो गुआढ़ी के घर लगी अग तुहाडे घर नहीं लगेगी, तो अल्टीमेटली थोड़े दिन बाद उन्होंने भी गा पोते पोतिया तो वह लग गए आना, उन्नी देर तक स्कूल का लैवल लोअर लैवल पर आ गया। हुण सी उठाना भी चाहो उठा नहीं सकते, ये तो यह है जो असी मैं कहना मेरा भला होए, बाबा जी कहते बिल्कुल तेरे इस चीज़ दे च कोई किसी किस्म के नाल गलत चीज़ नहीं है, पर तेरा भला जिवें तू करना चाहना एवें नहीं होएगा, दूजे का घर साड़ के अपना भला लभेगा नहीं लभेगा। जिहड़ा ये रूप आ इहदे च बाबा जी ने बाहर कढ़िया, उसारी की जाए गुणात्मक, गुणतास की गल हो रही ना, इहदे च इत्थे बचन आया मनमुख अंधा दूजा पाए, पर मन के मुरीद नू क्योंकि अकल तो विरवा हो गया, उन्हू विजन नहीं गा, दूजा पाए वह सही नू छड़ के किसी होर डगर नू पकड़ ली। दूसरा बचन आया जमदर बाधा चोटा खाए, जम किसी ने नहीं वेखे जी, कोई किसी नू जम कुटदा होए किसी ने नहीं वेख्या, पर यह सच है बाबा जी ने कहा परम स्वामी कंत विहोणिया मीत सज्जन सब जाम, साडे मीत सज्जन साडा ही आला दुआला सानू जमा की तरह चंबट जाता है, तो ये उदों ही होंदा। आप इस तरह जाणो जिवें शक की गल कही जाती है, कहिंदे शक बड़ी बला आया, मतलब घरां थावां पिंडां सब जगह दे उत्ते, ते जिहड़ा परिवार या समाज या ये भावें पुरख प्रधान होए पर
परिवार की इकाई नो इस्त्री सोच जिहड़ा शब्द आ इटसेल्फ इट्स ए फैमिनिन वर्ड ये चलाउंदा आ। हुण इहदे विच बीज बीज दिओ किसी तरीके कारता दा उहदे नाल की हुंदा वी पर घर थां परिवार दे विच कह दिओ कि भाई तुहानू फलाणे ने कुछ कर दिता आ, आह चीज़ हो गई है, टूणा कर दिता है, या तुहाडे ते फलां चीज़ भारी है क्योंकि उहनां ने इस रूप विच तुहाडे वास्ते कोई तवीत तागे कर दिते। ये तंत्र मंत्र जिहड़ा हुंदा सारा इस रूप दे विच ये होया नहीं। तो जिहड़े रिश्ते जिहड़े पिंड पिंड थावां ते प्यार स्नेह मानना सीगा उत्थे नफरत पनपनी शुरू हो गई, जमा दी मार पै रही है, एक दूसरे नूं जम दिसदे आ वो लोग, एक दूजे दे खिलाफ फिर वो सब कुछ हुंदा। आ जिहड़ी चीज़ आ इत्थों ही असल सारे 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 बीज उगदे ने सब चीज़ां दे। गुरु बाबा जी ने कहा ना जिवें ये शब्द पढ़ते जह पेंडे लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दुरारी। संत जना ने राह छड़ दिता, वह राह पे ही नहीं जिस राह उत्ते दुनिया दियां पनिहारियां लुटियां जा रही। एक मैटाफोर दिता जह पेंडे लूटी पनिहारी अपन देखिए पुराने रूप दे विच ते गुरु बाबा जी ने बड़ा तरस किया साढ़े उत्ते समाज बदलिया ते समाज के हालात बदले। अदरवाइज खूह तो लोग पानी पीण वाला भरते होंगे सी ज़्यादातर, तो खूह जिहड़े अमीर लोग जिहड़े जागीरदार होंदे सी उन्हां दियां हवेलियां विच या उन्हां दी जगह जमीनां च लगे होंदे सी। आम घरां दे बंदे ते ओह मुजारे होंदे सी, खेतां थावां ते कम करदे सी। जिहड़ियां घर दियां सवाणियां सीगियां ओह पाणी भरन जांदियां सीगियां पनिहारियां, जदों पाणी भरन जांदियां ते उन्हां नूं जो विगड़ैल ओह लोक होंदे सीगे ओह तंग करदे, ईवन लुट हुंदी। पाणी भरन गई पनिहारी नूं उन्हूं तंग किया जाता, ईवन जिहड़ा हैगा उहदी बेपती तक का वर्ताओ असीं पढ़दे हां लिटरेचर दे विच। बाबा जी ने कहा जिह पेंडे लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दुरारी। जिहड़े संत जन ने उन्होंने राह छड़ दिता, वह दुरारी दूर चले गए। वह क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्होंने खूहां ते जाना ही नहीं गा, उन्होंने खूह ही नवें लवाते गुरु साहब ने। गुरु साहब ने तुहानूं नवें खूह पटा के देवांगे। तुसीं इस एक्चुअली जिहड़ा आ बाणी है ना ये रूहानी खूह है असल दे विच। क्या रज रज के पीए तो अमृत का खूह लवाता, अंतर खूटा अमृत भरिया शब्द है काढ़ पीए पनिहारी। तू किसी तंत मंत्र च नहीं जाना, ना तेरा तेरा राह ही नहीं हैगा। किसी ने टूणा करता, किसी ने टपार करता, किसी ने तंत मंत करता, किसी ने वो जो ओदा विश्वास ही नहीं उस गल ते है ही नहीं, वह कहिंदा आप मनदे नहीं इस चीज़ नूं, अपना राह ही नहीं हैगा, कम निबड़िया। फिर वो कोई कहे भी शनिचर भारा है शनि भारा है, भाई शनि भारा होएगा कि जिहदे होएगा होएगा, राहू भारा भाई होएगा जिहदे ते होएगा, साडा ते वो राह ही नहीं हैगा। जे पेंडे लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दुरारी। सतगुर पूरे साच कहा, पूरे सतगुरु ने सच का संदेश साडी झोली च पा दिता। नाम तेरे की मुक्ते बीथी जमका मार्ग दूर रहा। जिहड़ा जमा का राह आ वह साढ़े तो बहुत दुराडा हो गया। इत्थे बाबा जी ने कहा कि जमंदर बाधा चोटां खाए। जिहड़ा इस गुरु के राह तो दूर जाएगा अल्टीमेटली की होएगा? जमा का राह पकड़ेगा उसनों आके। वह इस मानवी स्नेह प्यार खलूस मुहब्बत नहीं माण सकेगा। अगला बचन कहा गुरप्रसाद ही सदा सुख पाए, गुरु का प्रसाद कृपा होए तरस होए सदा सुख पाए। फिर जाके सदीवकाली सुख वक्ती तौर पर बंदा जहनी अपनी सैटिस्फैक्शन वास्ते यहोजे कम तंत मंत च पैंदा, कभी खुशी मिलती बहुता गम हंडा, क्योंकि ये हौमें की खेड है। तो हौमें की खेड के अपना बेनीफिट तो किसी का नुकसान बड़ी खुशी, किसी का फायदा तो उद्दे अपना नुकसान आप ही करिए आप ही सिरज लेना, बस फिर तो रोना ही रोना है, फिर तो कुरलाना ही कुरलाना है। बचन क्या गुरप्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिव लाए, सच करनी साच लिव लाए। असल लिव लगनी की है? लिव की बड़ी गल आ बाणी के बचन पढ़ते हैं, लिव छुड़की लगी त्रिश्ना माया अमर वरताया। जदों छुड़कदी माया हुक्मवर जिहड़ी हुक्मरान होकर सिर ते वो बैठ जाती। इत्थे महाराज कहिंदे सच करनी साच लिव लाए। असल करनी सच की यह है कि
कि सच च लिव लग जाए, कोई काम कार करते हाँ उहदे जिहड़े जिहनूं असीं कॉज एंड अफैक्ट कहिंदे आ उहनूं सही रूप में देखना। जे कॉज एंड अफैक्ट सही रूप में नहीं देखांगे फिर कॉज एंड अफैक्ट जिहड़े ने उह तंत्र मंत्र ते वहमां भरमां ते जिहनूं इलिट्रेशन कहा गया उहदे च आउणगे, उह ते फिर मारनगे। जदों रीज़न ही सही नहीं पता, जदों बंदे नूं अहसास ही नहीं कि असल दे विच जे आपां होर रंग देखिए, गुरु बाबा जी ने मनुख की आत्म उसारी की, तो उस आत्म उसारी के सदका बाबा जी का वचन है कि जे जीवै पतलत्थी जाए सब हराम जेता कि चखाए। जे जीवै पतलत्थी जाए, पत इज्जत, गैरतमंद लोगों की इज्जत होंगी है, खुदार लोगों की इज्जत होंगी है। जिसनों बंदे नूं पता ही नहीं मेरी सैल्फ रिस्पैक्ट है की है, उस कम्यूनिटी के जिथे गुलाम बनाए जा रहे हैं, जिथे टके टके पत विक रही है, तो वह किसी और चक्कर तुरै फिर। बाबा जी कहें असल तेनू तेरी जी होंद आ जी तेरी सैल्फ एग्जिस्टेंस है तेनों नहीं एहसास है। जिदन करा दिता उदनों पूरा पूरा मुलखइया भी चढ़ गया, कला खड़ गया। वह कहता भी कोई गल नहीं, मर भी जावे तो वही गल नहीं है, इज्जत न मरा, माण न मरा। यह जड़ा रूप आदे फिर बिपता मुसीबत मुश्किल जी ये बिल्कुल मूँह पलटा गई दूजे पासे, जबरौंद वर्गी जगह के उत्ते हरी सिंह नलके नलवे वर्गी रूह जा के बैठ जाए, मतलब तवारीख पुट्ठा गेड़ खा गई सारा सारा। नहीं तो लोगों क्या भी ये जड़ा आ ये कलम बेद अथर्बन हुआ हूँ, तो जड़ा आ समा आ गया भी बेद अथर्बन का प्रभाव आ, तो करके हूँ समा नहीं मिटाया जा सकता। तो मतलब सारे नक्षत्र सब सारी चाल ही पलट गई है, तो जो चाल ही पलट गई है तो चंगा भी करोगे चंगा रिजल्ट नहीं आना, इस करके चंगा करना ही छोड़ो। बाबा जी कहते चंगा कित्या चंगा रिजल्ट आएगा, चंगा करोगे तो तंत्र मंत्र नाल नहीं गा कि कोटी हूँ पीर वर्ज रहाया जा मीर सुनिया ताया। बाबर चढ़ के आ रहा सैदपुरी सारे इकट्ठे होकर उन्होंने उत्थे पीर औली तंत्र मंत्र करने वाले बिठा ले भी तुम इतने मंत्र फूको ऐतना फूको अन्ने कर दो सारियां। बाबा जी कहते कोई मुगल ना होवा अंधा, किनू ना परचा लाया, कोई अन्ना नहीं होया। उन्होंने गाजर मूलियां को वढ़ के रखते सारे दे सारे, जिदन परचा लगा उदनों उस रूप में लगा कि अबदाली वर्गा इतना व्डा हुक्मरान जड़ा जड़ा इन्नी बार इतने आया इन्ना जेतू होया, अखीर वह फिर लाहौर के सिखा की उड़ीक करता भी आओ मेरे को मेरे नाल समझौता कर लवो। वो कहिंदे खबरदार तेरे नाल समझौता नहीं होएगा। वो मेव्यां दी टोकरी भेजदा सी, कितनी वारी बात की है तो उहदे उत्ते रख के छोलियां दी भुज्जी टोकरी रख के भेज दिंदे। वो कहिंदे जिहड़ा असल कॉज असी लभ लिया, असल कॉज आ लालच, लालच मारता बंदे नूं। हुकूमत दा लालच नहीं रह गया ना, चौधर दा लालच नहीं रह गया ना, अपनी निज स्वै होंद वास्ते नहीं लड़ रहे, सह होंद वास्ते लड़ रहे हैं। सह होंद मीन सारियां दे भले च मेरा भला आ, आ रूप एक्चुअल लैवल ते बचन आया। ये लिव लग गई जिदन, जिस दिन इस किस्म की सोच अंदर पनप गई फिर करनी सच वाली होएगी, फिर करनी कूड़ वाली झूठ वाली नहीं होएगी। अगे दो पते ने जिन्हें बाबा जी ने सारे, क्योंकि आदित ऐतवार तो गल शुरू हुई सी, शनिचरवार इत्थे आके खत्म हो गई, हुण दो पदियां च सारे मैसेज नूं कॉन्कलूड किया गया, जिहदी विचार आउंदे च करांगे। अज वास्ते इन्नियां बेनतियां नाल खिमा चाहांगा, भुल्लां गलतियां ना चतारनियां, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।